गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर। ओके स्टूडेंट, और नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक लास्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो आज हम अगेन इस टॉपिक पर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ये टॉपिक बीच में रह गया था स्टूडेंट और कंप्लीट नहीं हुआ था, तो स्टार्टिंग से आज टॉपिक को करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो लेट्स स्टार्ट। नंबर, नंबर को हिंदी में स्टूडेंट वचन कहते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स, दो प्रकार के नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर नंबर, सेकेंड होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को स्टूडेंट एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को स्टूडेंट बहुवचन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करें स्टूडेंट, तो नाउन इज सिंगुलर नंबर व्हेन इट्स पॉइंट टू पॉइंट आउट ओनली वन पर्सन थिंग और एनिमल। केवल इस संज्ञा से हमें यही ज्ञात होता है स्टूडेंट कि केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक जानवर के बारे में बात कही जाती है। ओनली वन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल, जैसे एज मैन एक व्यक्ति, विमेन एक लेडीज, नेक्स्ट टेबल, फैन, पेन, एटीसी, एक्सेट्रा। दीज आर सिंगुलर नंबर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। ओके स्टूडेंट, और प्लूरल नंबर में नाउन इज प्लूरल नंबर व्हेन इट्स पॉइंट्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। ओके स्टूडेंट, एक से ज्यादा हो उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। और मोर देन वन पर्सन थिंग और एनिमल एटीसी एक्सेट्रा, कि एक से, इस संज्ञा से हमें यह ज्ञात होता है स्टूडेंट कि एक से ज्यादा जो होते हैं वो बहुवचन में आते हैं, प्लूरल में होते हैं, प्लूरल नंबर कहलाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे मेन एक वचन है यहां पर सिंगुलर में और यहां पर मेन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड दिस वन स्टूडेंट? यहाँ पर ए का यूज हुआ है और यहाँ पर ई का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर विमेन। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है? ए का यूज हुआ है और यहाँ पर ई का यूज किया है। तो सिंगुलर नंबर इज चेंज इंटू प्लूरल नंबर। ओके स्टूडेंट, वी कैन चेंज इजिली। और नेक्स्ट, जैसे कि टेबल दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर एस लगाकर प्लूरल नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फैन दिया हुआ है, तो एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर पेन दिया हुआ है, तो एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है स्टूडेंट नंबर। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट कि किस प्रकार से सिंगुलर नंबर को या सिंगुलर नाउन को कैसे चेंज किया जाता है प्लूरल नाउन में। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सिंगुलर नाउन नाउन्स एंडिंग विद, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एच, जेड। And becomes plural, plurals number. By adding
S. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो हमारा स्टूडेंट हुआ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद, सिंगुलर नाउन्स के एंड में अगर एस दिया हुआ है, डबल एस दिया हुआ है, एस एच दिया हुआ है, सी एच दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो एंड बिकम्स प्लूरल नंबर बाय एडिंग ई एस. ओके स्टूडेंट, तो किस प्रकार से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट, अगर एंड ऑफ द नाउन, सिंगुलर नाउन के एंड में अगर स्टूडेंट एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड एक्सेट्रा दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम चेंज कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन्स इट चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस. ओके स्टूडेंट, ई एस एड करके हम उसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एस सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नाउन नाउन्स और प्लूरल नाउन्स क्लास एस बेंच फॉक्स बेंच क्लास फॉक्स. Watch. These are similar nouns. Okay, student. Or we will change singular nouns into plural nouns. Okay, student. Kaise? Class. Es add karke. Okay, student. प्लूरल नंबर्स बाय एडिंग ई एस, ई एस एड करके हम प्लूरल नंबर में या प्लूरल नाउन्स बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट, अब एंड ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द वर्ड्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट? ये लेटर होने चाहिए एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है? एस S bench benches ES का यूज किया हमने, Fox ES का यूज किया, next watch okay student, तो these are plural numbers. okay student, या फिर these are plural nouns. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी में स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं. एक्सेप्शंस होते हैं स्टूडेंट, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद. जैसे मोनार्क्स स्टमक ऑक्स. अ मोनार्क्स स्टूडेंट एक राजा होता है
ओके स्टूडेंट। और स्टमक पेट होता है, ऑक्स मीन्स बेल होता है, तो इनको चेंज कैसे करते हैं या फिर ये एक्सेप्शन केस होते हैं स्टूडेंट जो चेंज नहीं होते। ओके स्टूडेंट, इनमें ई एस का यूज नहीं होता, इनमें ओनली एस का यूज होता है। जैसे एंड ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द वर्ड क्या है, सी एच है, सी एच है, एक्स है, तो इट मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज। ओके स्टूडेंट, अब ये एक्सेप्शन केस होते हैं और इनमें बाय प्लूरल्स बनाते समय स्टूडेंट तो बाय एडिंग ईएस का यूज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो वी कैन नॉट एड ईएस एंड ऑफ दिस वर्ड। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें ओनली एस का यूज होगा। जैसे मोनार्क्स, स्टमक्स, ऑक्स, इसमें ईएन का यूज होगा, ऑक्सन। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सेप्शंस केस होते हैं स्टूडेंट, अपवाद होते हैं ये। ओके नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन्स एडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, एंड जनरली जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग in n double vowels and becomes plural by adding s। as bamboo, cuckoo, tree, तो स्टूडेंट ये सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल्स नाउन्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, एंड ऑफ द वर्ड्स जो सिंगुलर नंबर होगा स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन होगा, उसके एंड में डबल
वोवल का यूज होगा, ओके स्टूडेंट, और उसमें एस एड करके उसे हम प्लूरल बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट। होना क्या चाहिए स्टूडेंट, एंड ऑफ द वर्ड डबल वोवल का यूज किया जाएगा, और जब हम प्लूरल में उसे कन्वर्ट करेंगे तो एस लगाकर हम उसे एस ऐड करके उसमें प्लूरल, उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बंबू, यहाँ पर बंबूज, नेक्स्ट कुकू कुकूस, ट्री ट्रीज, ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, अगर एंड ऑफ द वर्ड सिंगुलर जो नाउन होगा स्टूडेंट उसके एंड में अगर डबल वोवल का यूज हुआ है तो हम इस प्रकार से बाय एडिंग एस करके, एस ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट सिंगुलर नाउन्स एंडिंग एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई एंड Y is changed into I and becomes plural by adding Yes, okay student, singular nouns ending in consonant plus में y, क्या होना चाहिए student, consonant होना चाहिए plus में y होना चाहिए, okay student, and y is changed into I, okay student, y is changed into I, next and becomes plural by adding ES, और ES लगाकर हम स्टूडेंट क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एज सिंगुलर नाउंस एंड प्लूरल प्लूरल नाउंस फर्स्ट Alley, city, alley, city, country, एली हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ओके स्टूडेंट। इनके वर्ड में जो ये वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर, तो इनके एंड में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, वाई दिया हुआ है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट है, ओके स्टूडेंट। वाई दिया हुआ है स्टूडेंट एली, ये Y दिया हुआ है स्टूडेंट, और Y से पहले ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट,
तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई बन गया, ओके स्टूडेंट। और वाई किस में चेंज होगा, आई में, और प्लस में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ये वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट करते हैं इसे, एली सिटी कंट्री फैमिली। एलिस, ओके स्टूडेंट, वाई वाई इज चेंज इंटू आई, ओके स्टूडेंट, और प्लस में क्या ऐड किया, ई एस ऐड किया, तो क्या बन गया, ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से सिटी, वाई इज चेंज इंटू आई सिटी प्लस ई एस, तो सिटीज हो गया। नेक्स्ट कंट्री, वाई इज चेंज इंटू आई और प्लस में ई एस एड हुआ, तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फैमिली, ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अगर एंड ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द वर्ड वाई गिवन है और उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे, y इज चेंज इंटू आई एंड प्लस में ई एस एड करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, and becomes plurals by adding plus, by adding s, okay student। Singular nouns ending in consonant, singular nouns एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस में क्या है, ओ, ओके स्टूडेंट। तो एंड बिकम्स प्लूरल्स बाय एडिंग एस, एस एड करके उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट। जैसे एज सिंगुलर नाउंस प्लूरल्स, plural nouns first edo boy buffalo radio स्टूडियो, ओके स्टूडेंट। दीज आर सिंगुलर नाउन्स, ओके स्टूडेंट, और दीज नाउन्स, दीज सिंगुलर नाउन्स
आर चेंज इंटू प्लूरल नाउन्स। ओके स्टूडेंट, तो एडो को एस एड करके, ओके स्टूडेंट, दिया क्या है, अगर एंड ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट है प्लस में क्या है ओ, ओके स्टूडेंट, एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट है और प्लस में क्या दिया हुआ है ओ दिया हुआ है, तो हम एस एड करके स्टूडेंट उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ए डी ओ एस। द फेलोज, रेडियोज, स्टूडियोज, स्टूडियोज। ओके स्टूडेंट, एस ऐड करके, एस ऐड करके हम उसे प्लूरल बना सकते हैं। एडो को एडोस, बफेलो को बफेलोज, रेडियो को रेडियोज, स्टूडियो को स्टूडियोज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सिंगुलर नाउंस एंडिंग इन एफ और एफ ई, changed and changed into VES becomes plural. Okay student, singular nouns ending in F or FE, singular nouns के end में अगर F or FE गिवन है स्टूडेंट, तो हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इनटू वी ई एस और बिकम्स प्लूरल्स, और ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, जैसे एज लाइफ नाइफ leaf wife loaf। ओके स्टूडेंट, दीज आर सिंगुलर नाउन्स, दीज आर सिंगुलर नाउन्स। दीज आर सिंगुलर नाउन्स, इनको स्टूडेंट चेंज करेंगे प्लूरल नाउन्स में, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर यहां पर देखो सिंगुलर नाउन्स के एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन्स क्या दिया हुआ है, एफ ई एफ ई एफ दिया हुआ है, एफ ई एफ दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट सिंगुलर नाउन के एंड में अगर एफ ई या एफ दिया हुआ हो, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते समय हम वी ई एस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे लाइफ लाइव्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नाइफ,